आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर एटा से है, जहां नगर में खाटू श्याम जी के भव्य कार्यक्रम के साथ फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने बाबा खाटू श्याम के प्यारे भजन सुने और आनंद लिया। आयोजन में गायक राजपुरोहित के साथ साथ कासगंज से आए प्रिय जैन के भजनों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस दौरान खाटू श्याम सेवा समिति के सभी सदस्य और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबर मिर्जापुर से है, जहां 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों किसान एसडीएम चुनाव कार्यालय पहुंचे और मांग पत्र सौंपी। वहीं मिर्जापुर के प्रदेश सचिव ने कहा कि किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र आज सौंपा गया। गेहूं क्रय केंद्र बढ़ाने, धान खरीद का भुगतान जल्द कराने के साथ सिंचाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अहरौरा में एक नया टोल नाका वनस्थली महाविद्यालय के पास बनाया गया है, जो अवैध है। इसलिए कि जब डीपीआर बना था, जब इनकी कार्य योजना बनाई गई थी पूरी, उसमें केवल 3 टोल प्लाजे वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर लगाए गए थे, फतेहपुर में, एक रॉबर्ट्सगंज में, एक हाथी नाला के पहले। तो फिर बीच में ये जो अवैधानिक तरीके से लगाकर पिछले बृहस्पतिवार से वसूली की जा रही है, उसको बंद कराया जाए, उसको हटाया जाए। इस संबंध में हम लोग 28 मार्च को वनस्थली महाविद्यालय नियर टोल प्लाजा के पास में किसान पंचायत रखे हैं, उसमें हम लोग माननीय एसडीएम साहब से आग्रह करने आए हैं कि आप भी अधिकारियों सहित आकर के उस मामले का निस्तारण करवाइए, जो अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। इस संबंध में हम लोग तहसील मुख्यालय आए हुए हैं। खबर देवरिया से है, जहां स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्गत अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। बता दे, 3 लोगों ने उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से राम अवध यादव सपा और हरेंद्र जायसवाल भाजपा से नामांकन पत्र लिए। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद द्वारा एमएलसी के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र लिया गया। रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से होली के त्यौहार के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में देसी शराब के ठेके पर औचक निरीक्षण किया गया। सीओ सिटी आबकारी विभाग व त्रिपुला चौकी इंचार्ज की तरफ से त्रिपुला चौराहा स्थित ठेके पर निरीक्षण किया गया, जिससे ठेका मालिकों व लोगों में हड़कंप मच गया। जांच में टीम ने पाया कि स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से सामान नहीं मौके पर मौजूद था और हेराफेरी पाए जाने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल दुकान को सील कर दिया। अधिकारी ने कई दुकानों को चेक किया। इसी के साथ अधिकारी ने यह भी कहा कि त्यौहार को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये शासन के निर्देशों के क्रम में एवं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार पूरे जनपद में शराब की दुकानों की जांच चल रही है। इसी क्रम में हम सीओ सिटी यहाँ आए थे। यहाँ पे त्रिपुला चौराहे की दुकान पे स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके कारण ये दुकान सील हो गई। खबर मिर्जापुर से है, जहां गरीब दलितों के मकान पर वन विभाग ने बुलडोजर चला दिया और मकान के छप्पर में आग भी लगा दिया। इस दौरान पीड़ित ने वन दरोगा सहित विभाग के सहकर्मियों पर आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। नहीं है कि हम लोग जो जहाँ पे हैं, रवि अस्थाना जी का ज़मीन है, वो हम लोग की पापा जैसे हैं, दादा हैं, वहाँ पर उनकी किसानी करते हैं। उनके घर पर जाके जैसे मजदूरों करते हैं, उस तरीके का जाकर वहाँ पर काम करते हैं। हम लोग के लिए वो 2-3 बीघा ऐसे एक जाने के लिए दे दिए हैं कि लो अपना करो, खाओ जियो। और जंगल विभाग वाले यहीं हैं कि हम लोगों को जा कर के करकट फिर दिए हैं, घर गिरा रहे हैं। किसी उसी जो जो बोई थी हम लोग, वो सब खन दिए हैं, पूरा खन कर फेंक रहे हैं। यहीं समस्या है, यहीं के लिए तो जिलाधिकारी के पास आए हैं, साहब के पास। मामला ये है साहब कि हम लोग को घर बना रही है, वहाँ रवि अस्थाना का ज़मीन है,
हम लोग का बाबू माई मतलब खेत सब लोग मजदूरी करत हैं। हमारे रही है जा अब हम का जाके बंद दरोगा घर गिरा देना मड़ाई टाटी टेना लगौले रही जा करकट रहना सब तोड़ देना फूक देना अंगना में तक एकदम घर के अगोरे पिछोरे सब खान के फेंक देना गड्ढा बनौले बहन छोट छोट लड़का लेके अभी देखल जा छोट छोट लड़का ले भाई गोदी में हमन का लड़का अगर जानवर पूजा करे में या कोनो दिक्कत परेशानी हो जाइए बंदर होगा तो परेशान कर यही मामले में हम आ रही है हम जिलाधिकारी से भेंट कर रही खबर बदायूं से है जहां दबंगों ने जलाया गरीब का आशियाना। वही थाना के कोतवाली प्रभारी ने बताया कि युवक ने होली में आग लगाई थी जिससे झोपड़ी में भी आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जांच करने पर पता चला कि आग गांव के दबंग युवक नरसिंह ने ही लगाई थी जिस पर पुलिस उच्च धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मंदिर निर्माण में देश भर के बड़े बड़े इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन कंपनियां लगी हुई हैं। बता दें कि निर्माण कार्य में अब तक 30% कार्य पूरा कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि 2023 तक भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। हम सब लोग यही के तो हम जानते कि राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का कार्य चल ही रहा है। अभी नींव से लेकर मंदिर के निर्माण तक का जो कुल कार्य है हम कह सकते हैं कि 30% कार्य पूरा हो चुका है अभी प्रत्यक्ष मंदिर निर्माण का, क्योंकि नींव का काम ये प्रमुख काम था इसमें, और इसलिए मंदिर के निर्माण का 30% कार्य आज पूरा हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी प्रत्यक्ष जो प्लिंथ का काम है वो शुरू होगा, यानी चालू है अभी, और दिसंबर 2023 तक सबका मानना है कि भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। खबर अमेठी से है जहां छप्पर के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग की चपेट में आने से गरीब परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। परिवार ने आग लगने के बाद किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। वहीं आग से सब कुछ तबाह होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्यों रहे थे पता नहीं, कैसे लगी कैसे नहीं लगी आग। अच्छा। जब आग लगी तो निकल के भागे बाहर। अच्छा, कौन कौन था साथ में? सब बर्तन रहा, राशन। आपके साथ कौन कौन था? पूरी हमारा लड़का रहा, आकाश रहा, प्रीत रहा, साहिल रहा। अच्छा, मतलब पूरी हमारी। अच्छा, पूरी फैमिली थी। तो कैसे लगा, कुछ जानकारी मिली? नहीं, जब आग लगी तो निकल के भागे, हमको मालूम नहीं कैसे लगी कैसे नहीं लगी। सब जल गया, कपड़ा लत्ता जल गया, सब पूरा जितना सामान रहा सब जल गया। किसी को सूचना दी गई इसकी? अभी नहीं। खबर देवरिया से है जहां प्राइवेट महाविद्यालय बहादुर यादव मेमोरियल में स्थानक के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और प्राइवेट विद्यालयों पर मनमानी फीस लेने का आरोप लगाया। और छात्रों ने यह बताया कि सेमेस्टर वाइज 1500 की जगह पर मनमानी करके 25,000 से 30,000 की धनराशि वसूली जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।